अभी सुनसान सड़कों पे रात के वक्त डोल रहे हैं लोग। ये लोग कैसे देख रहे हैं सब, वो कहेंगे सब क्या ना प्यारा है। तो हर चीज का मेंटेनेंस है, कई लोग एक्सरसाइज करने लोग सुबह, ये सब मस्त जगह है। नाटक देखना, मेरे फिंगर के पीछे लगा रहेगा, अब हाथ लगाया तो डर का भाग जाता है नीचे की तरफ। आम ही आम दिख रहा है, बड़ा बड़ा आम खराब हो जाए लेकिन उसका मालिक किसी को तोड़ कर दे नहीं सकता। इतनी मस्त हवा चली है तो हम गए हैं इसको आम, इसको खाना मना है क्योंकि इसको बवासीर हो गया था। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के हो रहे 5:30, ये सब उठा दिए, सब कान में पानी डाल दिया तब जाके उठे हैं। डालना चाहिए चेहरे पे पानी, तो डाल रहा है कान के अंदर, कान को खराब करेगा। अरे यहाँ पर देखो बंदर कूद रहे हैं सब, सारे वहाँ पर जा रहे हैं सब। ये देखो उतरते ही जा रहे हैं, उतरते ही कम ही नहीं हो रहे सब, इस खम्भे पर से आ रहे सब। ये देखो जरा ये सभी सुबह सुबह उठ गए हैं सब, हमारे साथ सवार नहीं ये सभी सोए रहते हैं सब। ये देखो सामने जो मकान है आम का है, पूरा आम का, आम ही आम दिख रहा है, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा। लेकिन किसी का मजाल नहीं है ना कि उधर से तोड़ ले आम, आम खराब हो जाए लेकिन उसका मालिक किसी को तोड़ कर दे नहीं सकता। तोड़ो तो गाली सुनने को मिलेगा, कई बार फिर सुन भी लिया, जाते सर न जा वहाँ पर आम टूटते हैं, वो सब नहीं खाएंगे सब। आम खराब हो जाएगा लेकिन बच्चे तोड़ नहीं सकते, ये पता नहीं कौन सा रूल रेगुलेशन है। अभी सुबह सुबह 5:30 हो रही है और सन भी निकलना स्टार्ट हो गया, पता नहीं कितना जल्दी सूरज निकलने लग रहा है, 6 बजे तक पूरा निकल जाता है समझ लो। अभी फिलहाल चलते हैं मस्त वाली जगह पे आपको दिखाते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत रुका जाएगा फिर चला जाएगा घर, डायरेक्ट निकलेंगे कोचिंग के लिए भी। सुबह सुबह सारा काम सोच कर उठते हैं, अगर देर हुआ रहता तो नहीं आ रहते, थोड़ा जल्दी उठ गए हैं तो कहें चलो चलते हैं। अरे यहाँ पर भी देखो आम लगा हुआ है, इतना छोटा छोटा पेड़ है और उसमें आम बड़ा बड़ा लगा हुआ है लेकिन कोई तोड़ नहीं सकता। अभी जिस रोड से जा रहे लोग उस रोड पे पहले हम आया करते थे शुरू शुरू में अपना ब्लॉग बनाने के लिए। यहाँ पर बहुत शांति और नेचर भी यहाँ का बहुत प्यारा है। पहला ब्लॉग स्टार्ट किए थे शांति रहता था, ना ही कोई टोकता था, इन लोग भी अपना पहले यही पेरिस बनाते थे। अभी जा रहे लोग बढ़िया लोकेशन पे, बहुत ही बढ़िया, वहाँ का देखोगे तो वो क्या ही मस्त नेचर है। सुबह सुबह उठकर ऐसे जगह पर आओ तो यहाँ से घर जाने को मन नहीं करता, ये थोड़ा आउटसाइड पड़ता है और मेन शहर में इतनी तेज गर्मी होती है। सारे बुजुर्ग अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग। ये देखो पहले हम यहाँ पर आया करते थे दौड़ने के लिए सुबह सुबह उठकर, देखो जी धूप भी निकल गई और अब इसमें पुलिस की ट्रेनिंग चलती है। हम भी पहले बहुत दौड़ने में माहिर थे, रोज सुबह उठ जाते थे दौड़ने के लिए, कई दोस्त थे लोग साथ में उठते थे लोग, आते थे लोग यहाँ की साइड दौड़ने के लिए, बहुत दूर पड़ता है घर से, दौड़ते दौड़ते आते थे लोग, दौड़ते दौड़ते जाते थे लोग, टाइम बीत जाता था दोस्तों के साथ। फाइनली पहुँच चुके लोग, अब यहाँ का नेचर मिला कितना प्यारा है, ये जरा चेक करो, यहाँ पर हर चीज़ का मेंटेनेंस है। यहाँ पर कई लोग एक्सरसाइज करने लो कारपेट बिछाकर, मस्त बच्चे अपना झूला झूल रहे हैं सब, एक झूला आ रहा है बाकी दो बैठे हैं सब, और यहाँ पर बड़े बड़े लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग। सुबह ये सब मस्त जगह है एक्सरसाइज करने के लिए, यहाँ आने को तो आ गए लेकिन फंस गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे, वैसे एक्सरसाइज भी छूट गया वरना एक्सरसाइज करते, अब एक दिन एक्सरसाइज करेंगे फिर शरीर में दर्द हो जाएगी, डेली आना रहता तो कर सकते थे। यहाँ पर केवल हमको पसंद आया बढ़िया नेचर, जो यहाँ का नेचर है और कहीं नहीं है, इतना मस्त मस्त पेड़ है, आम का भी वहाँ पर पेड़ है लेकिन तोड़ने अलाउ नहीं है। यहाँ पर चमेली के फूल छोटे छोटे, घास पे तो चले आए बट चप्पल पहन कर चले आए, वहीं पे खोल दिया जाए थोड़ा बहुत चला जाएगा। एंड सामने चंद्रशेखर जी का मूर्ति है, ये देखो वहाँ पर पीठ चला गया और बड़े लोग के बीच में झांक रहा है कैसे, वो लोग रील्स बना रहे लोग और कहता है हम किसी का बीच में घुसते ही नहीं है, दिख रहा है कौन उसके बीच में घुसा है। आम लगा हुआ है लेकिन कोई तोड़ नहीं सकता, बस देखने के लिए लगा हुआ है, उस वाले फील्ड में जाओगे बहुत सारा लाखों की संख्या में आम है। यही पे छोटा सा पेड़ में कितना दिख रहा है, उसमें तोड़ सकते हो जल्दी कोई देखेगा नहीं। अरे ये सब अपना रील्स बना रहे सब, बनाएंगे सर तुरंत हम निकलेंगे क्योंकि हमको निकलना भी है कोचिंग के लिए वरना लेट हो जाएगा। तो
गाइस अभी वहाँ से निकल लिए लोग। वैसे पीयूष हम लोग के साथ नहीं जा रहा, पीयूष अभी उधर ही है कई लड़के के साथ, कर हम बाद में आएंगे। कोचिंग जाना है यहाँ से ना हमको, इसलिए हमको निकलना था, वरना हम भी कुछ देर और रुकते। उतना मस्त वहाँ का नेचर है, सुबह सुबह उठ कर आओ तो पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। अब यहाँ से जितनी जल्दी जाएंगे घर उतनी जल्दी कोचिंग निकलेंगे, वरना लेट होगा कोचिंग का भी। तुरंत जाएंगे, ब्रश करेंगे और बैग टांगेंगे, निकल जाएंगे। यहाँ का नेचर बहुत ही प्यारा है, बट सुबह सुबह धूप निकल जा रहा है वो ख़राब है। तो भाई घर पे गए, बैग टांगे, दोबारा से निकल लिए, देख रहे हो ना स्ट्रगल सुबह सुबह। और अब धूप पता चल रहा है, इतने टाइम पे धूप मस्त वाली निकल जा रही है। रोज सुबह जल्दी उठेंगे तो वैसा नेचर में चले जाएंगे घूमने के लिए, तो थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा। वैसे रोज नहीं उठ पाएंगे क्योंकि रात को काम भी रहती है। कल बस जल्दी सो गए थे और आज देखते क्या होता है। अभी तो चलते हैं पहले फटाफट कोचिंग, क्योंकि पहले से ही थोड़ा लेट हो गया है। टीसू देख रहे हो जा नहीं रहा है, घूमने के लिए गया है। अभी हम तो अभी फटाफट चलते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत लेट हो गया, ज़्यादा लेट करना नहीं चाहते। तो कोचिंग से आने के बाद मिलते हैं आपसे। सो भाई अभी फिलहाल कोचिंग से छुट्टी हो चुकी है और अकेले जा रहे तो मन नहीं कर रहा जाने को। वैसे रिशु साथ में रहता है ना, तो चलते जाते लोग बात करते पता भी नहीं चलता है। और कल से टाइम थोड़ा चेंज है एक हफ्ते के लिए, तब तक चले जाएंगे वहीं पर जहाँ आज गए थे ना। तो कल कभी भी उठेंगे तो निकल जाएंगे वहाँ पर। कितना मस्त नेचर है, सुबह सुबह वहाँ पर चले जा रहे, पूरा माइंड फ्रेश हो जा रहा है, मस्त मज़ा आ गया वहाँ पर जाकर। लेकिन धूप इतनी तगड़ी निकल रही है ना, तो दोबारा से माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है। फिलहाल चलते हैं घर और घर जाकर फटाफट नहाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपना ब्लॉग एडिट करेंगे। थोड़ा बहुत बचा है, रात को कहे थे जल्दी सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, तो रात को सो गए, ब्लॉग एडिट उतना नहीं किया है, जाएंगे तो करेंगे। घर पर पहुँच कर मस्त नहा लिए थे और नहा कर बैठ गए थे अपना ब्लॉग एडिट करने के लिए। हो ही चुका है, बस आधे घंटे का काम है, वो भी हो जाएगा। और ये जरा चेक करो, आप सूझ सा गए, नींद हमको लग रहा है बहुत तगड़ी वाली, सोने का मन कर रहा है बट सो नहीं सकते, काम भी है। अगर काम नहीं करेंगे तो कोचिंग में फंस जाएंगे, फिर कोचिंग निकलना पड़ेगा, डिले हो जाएगा ब्लॉग, इसलिए सोते नहीं है, काम जरूरी है। पहले टाइम मिलेगा आधे घंटे तो सोएंगे एक घंटे, एंड अभी बैठेंगे तो पूरा काम कर कर उठेंगे। बीच में थोड़ा 2-5 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं, लगातार बैठते हैं तो हम मन बोरिंग सा हो जाता है, इसीलिए बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। इसका नाटक देखना, मेरे फिंगर के पीछे लगा रहेगा, खा जाओगे। अब हाथ लगाया तो डर का भाग जाता है नीचे की तरफ। पैरट वहाँ पर है सब ना, अभी बोलेंगे तो बोलेंगे सब, सुन लिए, बोलने लगे। कोचिंग से आए थे तो नीचे लेकर आ गए थे, वरना धूप में वो सब भी थे, सब नीचे लाकर उन लोगों को कुछ डाल दिए, खा रहे सब अभी। सो भाई फाइनली मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका, उस वक्त से लग गए थे ब्लॉग एडिट करने में, और अभी जाकर सारा काम हो गया, थंबनेल हमने साला अपलोड भी कर दिए। नींद उस वक्त बहुत तगड़ी वाली लग रही थी, अभी तो नींद ही भाग चुकी। नींद जान दो कब लगती है, जब कोई काम करोगे ना, जैसे पढ़ाई उस वक्त नींद लगती है, या ब्लॉग एडिट करने बैठे उस वक्त नींद लगती है। जब कोई काम तुम्हारा रहेगा ना तभी नींद लगेगा, वरना कोई काम नहीं रहेगा तो उस वक्त नींद लगेगा ही नहीं। जैसे अभी काम से छुट्टी हो गया, अब नींद बिल्कुल नहीं लग रहा है, उस वक्त तगड़ी वाली लग रही थी। वैसे अभी छत पर आया था, छत पर मेरा पैर जलने लगा, धूप इतनी तगड़ी वाली हो रही है ना इसके वजह से। अभी जाएंगे नीचे थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि नींद तो लग नहीं रही है, और जब कोचिंग जाना रहेगा तब एक ही बार निकलेंगे बाहर, अभी तो जाने वाले नहीं है बाहर इतनी तगड़ी धूप में। सो गाइस अभी फिलहाल निकले हुए थे कोचिंग, और कोचिंग निकले तो भाई साहब बाहर यार धूप इतनी तगड़ी, आज तो गमछा भी नहीं लिया, और साथ में रिशु है, आ गया है, गया था कल घूमने के लिए, मस्त घूम वूम लिया है और आज जा रहा है पढ़ने के लिए। अब पीयूष कह रहा था आज से जाएंगे, कह नहीं उसका डेट बढ़ता है इसका, बंद हो जाने तो फिर जाकर बोलेंगे। उसके इंजन के पास गए तो इतनी तगड़ी वाली वहाँ से भाप आ रही थी, लग रहा था आदमी वहाँ रहेगा तो जल जाएगा। वैसे धूप भी इतनी तगड़ी वाली निकली है कल से भी, अभी 2-3 दिन से उतनी तगड़ी वाली नहीं निकली थी जितनी आज निकली है। चलते हैं फटाफट कोचिंग, और कोचिंग से आने के बाद मिलते हैं आपसे, क्योंकि बोला नहीं जा रहा इतनी तगड़ी धूप में, सामने ही निकली है जस्ट देखो यहाँ पर। अभी फिलहाल कोचिंग से छुट्टी हो चुकी है और अभी आ रहे थे लोग तो एक ट्रेन जा रही थी, उसके वजह से थोड़ा और लेट हो गया, वरना ये तो स्टेशन पार कर दिए रहते लोग कभी का। एक ट्रेन रुकी नहीं, दूसरी ट्रेन आने लगी, देखो जी मेरे आगे ही रुके, जब हम जाते हैं तो मेरे आगे ही ट्रेन लगती है, मेरे से आगे ही नहीं जाती है, मेरे को देख कर वहीं पर रुक जाती है। तो भैया अगर हमको एक राउंड दीजिए चलाने के लिए, गए अंदर यहाँ पर पुलिस सर हैं, इसका चेकिंग वेकिंग करना रहेगा तो करेंगे, कौन बिना टिकट का चढ़ा हुआ है उन्हीं का चेकिंग होता है, ये करते हैं। इनके पीछे पीछे जा रहे लोग, जब ट्रेन आती है तो अंदर की तरह स्मेल करने लगता है, तो इसीलिए ब्लॉग उस समय बंद कर दिए हैं।
स्मेल पता नहीं क्यों करता है, बहुत दूर से ट्रेन लगता आती है, सारे लोग निकले लोग तो बाहर भीड़ लग गई, लग रहा है सारे लोग ही यहीं से उतर गए लोग। अभी फटाफट चलते हैं घर और मिलते हैं वहीं पर। अभी फिलहाल कोचिंग से आए थे तो बाहर नहीं निकले हैं, इतने बच्चे शोर कर रहे थे, इतने छोटे छोटे थे, कितने शोर कर रहे सब आपस में। वैसे गाइस अभी आए हुए थे कोचिंग से, और कोचिंग से आने के बाद थोड़ा घर में एक काम था, अभी भी जाएंगे तो आधे डेढ़ घंटे का काम है, एक से डेढ़ घंटे का, उसको कर फिर जाकर पा रहे हैं, रात को आने में बहुत टाइम लगेगा। ये देखो ये मेरा चैनल है, जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लेना, 1820 सब्सक्राइबर है, जल्दी जाओ भाई अभी वीडियो छोड़े सब्सक्राइब करो। वैसे उसको भी सब्सक्राइब करो, साथ साथ जिसको देख रहे हो उसको भी जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। और मैच चल रहा है, लखनऊ क्या खेल रहा है, 40 रन पे 3 विकेट और साथ में 7 ओवर, अब समझे 7 ओवर में केवल 40 रन, क्या ही लखनऊ खेल रहा है यार। जाएंगे मैच देखेंगे और साथ में काम करते रहेंगे। गली में एक जगह चल रही है भजन, वही पीछे से बैकग्राउंड में भजन सुनाई दे रही होगी। गाइस अभी काम कर लिए थे घर का और फिर जाकर बाहर निकले थे, और बाहर निकले तो मस्त वाली हवा चल रही है यार, कई दिन बाद इतनी प्यारी हवा चल रही है, ऐसा मन कर रहा है कि यहीं पे खटिया लगाए और सो जाए, क्योंकि इतनी मस्त हवा कई दिन बाद चल रही है। बैठ कर काम कर रहे थे तो थोड़ी पीठ में दर्द सी हो गई है, वैसे सुबह जल्दी उठ गए थे, कल देखते हैं कि सुबह उठ पाते कि नहीं, आज तो उठ गए और नींद अभी तक लग रही है, लेकिन जाएंगे सोने के लिए नींद तो तुरंत नहीं लगेगी। अभी सुनसान सड़कों पे रात के वक्त हम पीयूष आदि डोल रहे हैं, लोग ये डॉग कैसे देख रहे हैं सब, भोगेंगे सब क्या, इतनी मस्त हवा चली है तो हम कहें किसको भोगे पीयूष को, तो कहें थोड़ा बहुत टहल लेते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं घर। वैसे भी बाहर लोवर पहन कर निकल चुके हैं, लोवर पहन लिए हैं तो घर में आराम से काम हो जा रही है, यही बिना लोवर के काम कर रहे हैं तो गर्मी होने लग रही है, और वो सब पीछे बात कर रहे हैं सब कैसे वायरल हुआ जाए, कोई काम करेगा तब ना वायरल होगा, जाओ किसी को मार दो समाचार पे न्यूज आ जाएगा और तुम रातों रात वायरल हो जाओगे। वायरल होने का न्यू ट्रिक बताएं, रात को सोते वक्त किसी को मार दो, तुम जाओ पीयूष को मार दो रात को और सुबह समाचार में न्यूज। नहीं नहीं आप सोच रहे ना, पीयूष को खड़ा कर दो, आप पीयूष लड़की के बतिया रहे उसको जाकर गोर छुए, ये सब तो वायरल होने के लिए दूसरे ही ट्रिक अजमा रहे सब कुछ फनी कर कर। अभी जा रहे थे लोग चाय पीने के लिए, लेकिन थोड़ा याद दूर पड़ता है इसीलिए कहे यू टर्न लिया जाए, केवल 10 रुपया है, 10 रुपया में 3 लीटर आम का जूस पिया जाएगा, कौन कौन उसे पी पाएगा, थोड़ा सा आम पियेंगे थोड़ा सा ये पिएगा, मन करेगा तो पिएगा, वरना तो ये आम का जूस तो पीता ही नहीं है। अभी चलते हैं जूस के दुकान पे, देखते हैं खुला है कि नहीं। देखो जी ले लिया आम का जूस और ये पकड़ लिया कुछ पीने के लिए, बस ऊपर से पीना है, और पीयूष तो नहीं पिएगा तो हम पीते हैं, वो तो पहले पिएगा नहीं, क्योंकि कहे थे लोग ना पारा पारी पी लिया जाएगा, थोड़ा सा हम पियेंगे थोड़ा सा आदित पिएगा, पीयूष तो नहीं पीने वाला क्योंकि उसको दूसरा चीज हुआ। तो जी मैंगो जूस भी पी कर निकल लिए लो, और ये कहा है नहीं पियेंगे तभी भी पी लिया, और यहाँ से फटाफट चलते हैं घर और इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हम इसको खाना मना है, डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि इसको क्या हो गया था, बीमारी बवासीर हो गया था।